नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज का जो मेरा वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप श्रीलंकन जो साड़ी होती है उसको ड्रैप करके बताइएगा, तो उसी के ऊपर आज जो मैं ये आपको साड़ी ड्रैपिंग का वीडियो देने वाली हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइज, मैंने जो एक मराठी लुक साड़ी ड्रैपिंग डाला था उसी के ये कमेंट आए हुए हैं उसी के ऊपर। तो उसमें कुछ लोग क्या है जो है मराठी में कमेंट करते हैं, और एक ने बोला था कि आपने साड़ी ड्रैपिंग जब बताया तो आप अगर मराठी लैंग्वेज का यूज करते तो और अच्छा होता। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, मैं पहली बात तो मैं मराठी नहीं हूँ, और दूसरा मैं यूपी से हूँ। और भले ही मैं गुजरात के अंदर रह रही हूँ, यहाँ पे मराठी गुजराती सब है, पर मुझे मराठी बोलना बिल्कुल नहीं आता। पढ़ना तो क्या आएगा, जब बोलना नहीं आता तो पढ़ना तो नहीं आएगा। तो इसीलिए आप प्लीज आप मुझे मराठी में कमेंट मत कीजिएगा। अगर कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप क्या मेरे से पूछ रहे हो। तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में कमेंट कीजिए या हिंदी में कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या है, मैं आपके जो कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई दे सकती हूँ, बाकी मराठी में बिल्कुल नहीं दे सकती। उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। तो गाइज, जो मैंने जो आज लुक आपके साथ क्रिएट कर रही हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसलिए कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और जैसे आपने मेरा मराठी लुक जो मैंने आपके साथ शेयर किया था साड़ी ड्रैपिंग का, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वाले लुक को भी ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो आई होप आपको मेरा ये वाला जो साड़ी लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत पसंद आएगा। मैं करती हूँ अपना वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, यहाँ पे जो मैं साड़ी ड्रैप कर रही हूँ वो है श्रीलंकन धोती साड़ी, और यहाँ पे मैंने साड़ी ली है और साथ में मैंने डाला है लेगिंग, क्योंकि इस तरह की साड़ी में ना आप पेटीकोट नहीं पहन सकते हो। अगर आप धोती साड़ी पहन रहे हो तो उसमें पेटीकोट नहीं पहना जाता, लेगिंग डाली जाती है। तो ये जो साड़ी है मेरी एकदम शाइनिंग है इसमें, या तो आप सिल्क की साड़ी ले सकते हो, और बॉर्डर है मेरी साड़ी में पूरी प्लेन साड़ी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे साड़ी को दो पार्ट में बांट के इसका बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा होता है मुझे वो ले लेना है। तो मैंने दोनों कोने पकड़े हैं और उनको मुझे बराबर करते हुए जाना है लास्ट में। तो यहाँ पे जो है मेरा जो बीच वाला हिस्सा है वो मुझे पकड़ लेना है दोनों साइड से। मैंने आधी साड़ी इधर कर ली, आधी उधर कर ली। अब ये मैंने जितना मेरा बैक में आएगा उतना पकड़ के मैंने देखो इस तरह से कुछ मैंने दोनों साड़ी के बीचों बीच मैंने कमर के पीछे रखा है और दोनों साड़ी को पकड़ लिया है साइड से, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा लेना है नोट। गाइज, अगर यहाँ पे आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो तो एक डोरी भी बांध सकते हो नाड़ा जैसे, पर मोस्टली इसी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हो अगर आप टाइट करके नोट लगाते हो, क्योंकि धोती साड़ी जो होती है वो इसी तरह से पहनी जाती है। जैसे कि मैंने मराठी लुक भी डाला था जो आपको पसंद आया, वो भी इसी तरह से पहनी जाती है, गांठ लगा के उसके नीचे भी पेटीकोट नहीं डलता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से नोट लगा के उसको अंदर कर लिया है, और अब ये देखो दोनों मेरे साइड के एक इधर साइड का बीचों बीच था, और अब मैंने पीछे से जो बैक पे मेरा फैब्रिक था वहाँ से बिल्कुल बीच में से टांग के दोनों टांगों के बीच में से फैब्रिक पकड़ा है और उसको मैंने आगे लेके आई हूँ। अभी दोनों बॉर्डर मैंने एक जगह मिला के इसको अंदर टक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन का आप यूज कर सकते हो जिससे आपकी साड़ी जो है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसको अंदर डाल के और दोनों जो बॉर्डर है उनको अच्छे से आपको मिला लेना है, और यहाँ पे आपको अपना पिन से जो साड़ी है वो सिक्योर कर लेनी है, इससे निकलने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। अब जो दोनों फैब्रिक हैं उनमें से एक फैब्रिक मुझे पीछे लेके जाना है और एक मुझे आगे रखना है। अब ध्यान से देखो तो एक ये जो साइड का मेरा फैब्रिक है जिसमें बॉर्डर था वो मैं पीछे लेके गई। अब जैसे मैं पीछे लेके जाऊंगी तो आप देखो मेरे पैर पे जो है वो अपने आप जैसे धोती होती है उस तरह के साइड में आ जाएगी, बिल्कुल जैसे धोती होती है ना उस तरह का साइड में काउल बन जाएंगे अच्छे से। और जो फैब्रिक था मेरे पीछे का वो मुझे पीछे ले जाके जहाँ टक करना होता है ना उसका अच्छे से मार्जिन कर लेना, यहाँ तक प्लेट बनानी है जहाँ तक मेरा हाथ है पीछे का वहाँ तक। तो अब जो आगे का हिस्सा है वहाँ से आप प्लेट बनानी स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं रखनी है, नैरो भी नहीं रखनी है, बस आपको मीडियम प्लेट बना लेनी है और इसको कर लेना है पीछे से टक।
इस तरह से आपको टक कर लेना। ध्यान आपको रखना है, अगर आपसे नहीं होता तो आप किसी से भी अपनी प्लेटें ठीक करा लेते हो, अच्छे से ठीक करा लीजिएगा। और साइड में जो है पीछे पिन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको अंदर करके और पिन से सिक्योर कर लेनी है अपनी प्लेटें अच्छे से, क्योंकि ये जो धोती साड़ी है ना वो बहुत कंफर्टेबल होती है। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उठने बैठने में। और जो आगे का मेरा फैब्रिक था उसको आप जैसे आपने पीछे प्लेटें बनाई हैं वैसे ही आप इसकी आगे प्लेटें बना लीजिएगा। मतलब बहुत इजी होती है ये साड़ी, धोती साड़ी पहनना, और मतलब लुक इसका बहुत अच्छा आता है। और गाइस ये हम जो श्रीलंकन धोती साड़ी होती है उसको हम दो तरह से ड्रेप करते हैं। तो पहला जो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ एक इस तरह से ड्रेपिंग करते हैं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड पार्ट उसमें भी मैं आपको श्रीलंकन धोती साड़ी पहनना बताऊंगी। वो दूसरे तरीके से पहनते हैं, दो तरीके से पहन सकते हो आप। तो यहाँ पे आप अंदर से जो अगली प्लेटें थी वो लगा के आगे सिक्योर कर लेनी है। यहाँ पे भी आपको पिन लगाना मत भूलिएगा। और देखो कितने अच्छे काउल आए हैं। तो ये हो गई श्रीलंकन धोती साड़ी, क्योंकि ये क्या धोती के शेप में आती है। और गाइज ये बहुत कंफर्टेबल होती है, ऐसा नहीं है कि आपने पहनी तो आपको चल नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कीजिएगा, डांस कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि क्या होता है स्कूल में जब फंक्शन होते हैं तो बच्चे इस तरह की साड़ियाँ पहनते हैं तो वो भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखो यहाँ पे मुझे डांस ऐसा आता नहीं है फिर भी मैं आपको करके बता रही हूँ। और गाइज मेरे हाथ का जो है कफ खुल गया, मुझे पता ही नहीं चला कफ खुला। तो ये था मेरा पूरा ऑल ओवर लुक, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय माता दी।